तो फ्रेंड्स देखिए, ये सुबह सुबह नाश्ता कर रहा है, उसका पार्टनर उधर है, उधर के भाग गया। शादी करना पड़ेगा, शादी करने से आसानी हो जाएगा, खाना बनाना नहीं पड़ेगा। तो फ्रेंड्स मजाक कर रहे हैं, शादी नहीं करेगा ना अभी, फर्स्ट फ्यूचर नेक्स्ट शादी। तो इसको पढ़ा हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हो चुका है सुबह, तो आपका भाई और एक वीडियो लेके आ चुका है। तो आज काफ़ी दिनों के बाद मैं वीडियो लेके आ रहा हूँ, तो और एक चीज़ बोलना है आप लोग से कि आपका भाई का 100 सब्सक्राइबर पूरा होने वाला है, तो आप लोग जल्द से जल्दी पूरा कंप्लीट करा दीजिए। 90 हो चुका है और सिर्फ 10 चाहिए, 10 होने के बाद 100 में हम लोग एक केक काटेंगे, तो इन्जॉय करेंगे उस दिन। हम लोग तो छोटा यूट्यूबर है, 100 से ही हम लोग खुश हो जाएंगे। तो चलिए आज क्या लेके आए आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स अपना ये सुबह सुबह ये सीमेंट लेकर आया हुआ है, ये जो कि 50 बैग है, इधर देख सकते हैं अपने गाड़ी में, तो इधर अपना गाड़ी है। तो फिलहाल अभी हमको नवाना है इस घर में, तो मालिक नहीं अभी तक नहीं आया है, तो इधर ये भैया लोग वेट कर रहा है वो मालिक का। तब तक धूप ताप के गर्म भी हो जा रहा है, सुबह सुबह का मौसम है, तो आप लोग देख सकते हैं साइड का बैकग्राउंड, ये खेती है जो कि पूरा कटिंग हो चुका है। नजारा देखिए, थैंक यू बोलने के लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ का व्यू देखिए, तो फ्रेंड्स इधर आपका फिलहाल कॉलेज है, सलाया कॉलेज नहीं, सलाया बोलता है, सेंट क्लारेट कॉलेज जो कि ऑल जीरो में है। ये देख सकते कितना अच्छा व्यू आ रहा है फ्रेंड्स, देखिए। आप लोग एक चीज दिखाता हूँ, एक जानवर जो कि आसाम में भैंस बोला जाता है, भैंस यूपी में भी भैंस बोला जाता है, भैंस नहीं वो जंगली जानवर होता है, नहीं ये अरुणाचल में मिठुन बोला जाता है, उसका क्वालिटी का ही है। चलिए आपको दिखाते हैं कैसा होता है मिठुन आप लोगों। तो फ्रेंड्स चलिए आपको मिठुन दिखाते हैं, ये सामने में ही है मिठुन, ये नजदीक में है, देखिए ये रहा मिठुन। अब देख के कमेंट बताइए आपका उधर होता है कि नहीं, मेरा हिसाब से तो ये सिर्फ अरुणाचल प्रदेश में ही होता है। डर के भाग रहा है फ्रेंड्स ये लोग, तो फ्रेंड्स बताइए आपका उधर होता है कि नहीं ये जानवर मिठुन, इसको अरुणाचल में मिठुन बोला जाता है। चलिए आपको सामने से दिखाते हैं, यही है फ्रेंड्स वो मिठुन। तो फ्रेंड्स देखिए, ये सुबह सुबह नाश्ता कर रहा है, उसका पार्टनर उधर है, उधर के भाग गया, तो ये काफी हिम्मत वाला है, देखिए फ्रेंड्स। ये लोग घर में नहीं पाला जाता है फ्रेंड्स, ये लोग को जंगल में रखा जाता है। तो फ्रेंड्स ये लोग बहुत ही ये नमक पसंद करता है, फिलहाल अभी तो हम नमक लेके आया नहीं है, तो नहीं तो खिला देना था नमक। तो फ्रेंड्स इसको चले जा, डिस्टर्ब नहीं करते हैं, चले निकलते हैं इधर से। तो फ्रेंड्स यहाँ का व्यू देखिए, खेती। तो फ्रेंड्स अपना गाड़ी उधर लगा हुआ है अनलोडिंग होने के लिए, तो चलिए फ्रेंड्स आगे मिलते हैं आप लोग से। आप लोग एक चीज दिखाते हैं, हमारे साथ और एक नया यूट्यूबर जुड़ चुका है, क्योंकि ये भैया का नाम तो हम मालूम नहीं है। सर है ना, आप पार्ट टाइम में सेवन भी खाली करता है, तो आपके चैनल का नाम दे बताइए। I've been trying to fight the demons in my mind. I'll prevail with every battle if I'm right. Guess my aim was off the target, out of
I'll be better if I left it all behind. 'Cause we could find a way, we could find a way, find another place where we can just escape. We could find a way, we could find a way, find another place where we can just escape. तो फ्रेंड्स अपना ये गाड़ी खाली हो गया, देख सकते हैं जितना सीमेंट था सब गाड़ी खाली हो गया। इधर अपना भैया लोग सफा हो रहा है, तो चलिए यहाँ से फटाफट निकलते हैं। तो फ्रेंड्स ड्यूटी के आने के बाद अभी हम नाश्ता बना रहा है, क्योंकि मम्मी पापा इधर नहीं है तो अभी हमको खुद से बनाना पड़ता है, तो वही अभी नाश्ता बना रहा है। चलिए दिखाते है क्या बना रहा है आपको। तो फ्रेंड्स देखिए, ये हम आलू का भुजिया बना रहा है, थोड़ा सा ही बना रहा है, अकेला है तो इसलिए ज्यादा नहीं बना रहा है। ज्यादा बनाएगा तो फिर ठंडा ठंडा खाने में नहीं होता है, इसलिए अभी थोड़ा बना रहा है। आज सैटरडे है, आज का दिन में मीट मछली नहीं खाता है, इसलिए ये भुजिया बना रहा है। देखिए एक ड्राइवर का जिंदगी। तो और इधर अपना इधर आटा भून रहा था रोटी बनाने के लिए, ये देखिए इसको भूनते है और रोटी बनाते है। तो फ्रेंड्स चलिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए कैसे मैं खाना बनाता हूँ। तो फ्रेंड्स आप लोग तो देखा ही है कि हम खाना बना रहा था नाश्ता, तो ड्यूटी आ गया तो खाना को छोड़ के ऐसे कच्चा में आना पड़ा है। ये देख सकते हैं हाथ में आटा आटा भी लगा है, आटा भून रहा था तो उसको ऐसे ही छोड़ के आ गया अभी ड्यूटी में। तो सीमेंट ले जाना है तो सीमेंट को पहले ले जाते हैं, उसके बाद फिर बनाते हैं, उसके बाद फिर नाश्ते करते हैं फ्रेंड्स। तो उसके बाद मिलते हैं आप लोग से। तो फ्रेंड्स अपना गाड़ी वहां में लगाकर लोडिंग हो रहा है, गाड़ी लोडिंग हो रहा था तो हम सोचा जब तक लोडिंग होगा तब तक रोटी बना लिया जाए। तो वही अभी इसको इसको गोल गोल कर रहा है रोटी बनाने के लिए, तो चले फटाफट गोल गोल करते हैं। तो फ्रेंड्स सिंगल लाइफ है ये, शादी करना पड़ेगा, शादी करने से आसानी हो जाएगा, खाना बनाना नहीं पड़ेगा। तो फ्रेंड्स मजाक कर रहे हैं, शादी नहीं करेगा ना अभी, फर्स्ट फ्यूचर नेक्स्ट शादी। तो इसको फटाफट राउंड करते हैं, आप लोग भी देखिए कैसे बना रहे हैं मैं रोटी। तो फ्रेंड्स मेरा भुजिया अभी हो रहा है, भुजिया जल जाएगा, वो भुजिया को देख के आएगा। तो चले फ्रेंड्स गोल होता है कि नहीं होता देखते हैं, थोड़ा सा दूर आ जाते हैं तो शायद राउंड हो जाएगा। लाल पत्ता उड़ गया रे हवा के झोंके से। गाइस क्या करे हम सिंगल लड़े, been trying to fight the demons in my mind. I'll prevail with every battle if I'm right. Guess my aim was off the target's out of sight. तो फ्रेंड्स हमने इधर रोटी को बेल लिया है,
तो चलिए अभी इसको तावे में पकाते हैं फटाफट। अपना इधर तवा लग गया, अभी रोटी डालते हैं। चले देखते हैं रोटी कैसा पकता है। तो फ्रेंड्स, ये रोटी जो मैं बनाया हूँ ये अपने माँ से सीखा था। मेरे मम्मी ने मुझे सिखाया था कि ये ऐसे रोटी बनाया जाता है। छोटा जब था मैं तो बहुत साल आगे से जानता हूँ बनाने के लिए। चलिए एक रोटी पकता है, क्या ये ड्राइवर का रोटी पकेगा? फ्रेंड्स कमेंट कीजिए ड्राइवर का रोटी कैसा है। तो थोड़ा वॉल्यूम को टेस्ट करते हैं, क्या फ्रेंड्स ये पकेगा? पकेगा बोलता हूँ, क्या ये फूलेगा? चलिए लेट्स ट्राई। गाइस इधर हाथ बहुत जल जाता है यार, तो जगह से पलटी मारते हैं। अभी चलिए साइड साइड को दबाते हैं ऐसे ही करके, फूलने के लिए, पकने के लिए। साइड साइड का कच्चा रह जाता है ना, तो इसको ऐसे किया जाता है। क्या ये हमारा रोटी फूलेगा आज? दोस्तों मुझे तो बहुत डर लग रहा है, अगर नहीं फूलेगा तो फ्लॉप हो जाएगा। कोई नहीं, फूलना चाहिए यार, रुक जाओ। अभी मैं पलटी मारता हूँ फ्रेंड्स, ये पलटी मारते हुए तो अभी देखिए रोटी हमारा कैसा फूलता है। यार नहीं फूला फ्रेंड्स, मेरा रोटी नहीं फूला यार, हट, शर्म लग गया मेरे को। कोई नहीं, होता है कभी कभार। तो चलिए फ्रेंड्स इसको फटाफट बनाते हैं, उसके बाद निकलते हैं ड्यूटी पे। तो फ्रेंड्स देखिए अपना रोटी और भुजिया पक के रेडी हो चुका है। ये अपना रोटी बहुत नरम है फ्रेंड्स, ऐसा कोई लड़की भी नहीं बनाएगा जो कि एक ड्राइवर बना दिया। और इधर अपना है भुजिया, ये देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स, देखिए बहुत मेहनत किया इसके लिए। तो चलिए फ्रेंड्स इसको फटाफट फिनिश करते हैं, उसका निकलते हैं ड्यूटी में। फ्रेंड्स देखिए अपना गाड़ी अभी तक लोडिंग नहीं हुआ है, हम नाश्ता वास्ता सब करके आ गया, क्योंकि आदमी बहुत कम है इसलिए टाइम लग रहा है, क्योंकि ट्रैक्टर में भी उठाया वो लोग इसलिए उसमें टाइम चला गया। तो ये लोडिंग देखिए, मैं तो बहुत स्पीड किया हूँ। उसके बाद इसको अनलोडिंग करते हैं जगह पर जाके, उसके बाद मिलते हैं आपको। फ्रेंड्स खाना वाना नाश्ता करने के बाद, ड्यूटी के बाद अभी और एक ड्यूटी आया है जो कि हमको बुकने है टक्का, माने लकड़ी बुकने है टक्का, छोटा टक्का है ये दोनों। तो अभी मेरा दोस्त बोला है चलो बुकने चलते हैं, दो गाड़ी चाहिए, उसको देने के लिए जा रहा है। तो आपको दिखाते हैं उसका टाटा EX BS3, तो उसका गाड़ी को दिखाते हैं कैसा है, ओल्ड मॉडल गाड़ी। तो फ्रेंड्स मैंने बोला था टाटा EX का फुल रिव्यू दूंगा BS3 का, तो उसको नेक्स्ट वीडियो में वो रिव्यू दूंगा, क्योंकि आज हमको ये लोडिंग करते करते रात हो चुका है। तो इधर अपना गाड़ी तो अभी लेकर आया है, जस्ट बहुत रात हो गया। तो इधर अपना दोस्त है, चलिए दोस्त को दिखाते हैं, इधर में है ये, इधर है। तो उसका गाड़ी यही है, ये गाड़ी का रिव्यू मैं दूंगा कल। तो ये तो फ्रेंड्स आज के वीडियो को हम लोग इधर ही एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो को अच्छा लगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले। हमारा 100 होने वाला है, 100 पूरा कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, बाय।